हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, सर्दियाँ जा चुकी हैं और सर्दियों के मौसम में हमने अपने खेत की बगिया, घर की बगिया आप सबको दिखाया था कि कौन कौन सी सब्जियाँ लगी हैं, क्या क्या पेड़ पौधे लगे हैं। तो जैसा कि सर्दियाँ जा चुकी हैं और गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो अब हम आपको दिखाएँगे कि हमारी घर की बगिया में कौन कौन से सब्जियाँ, कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं और हमारे बगिया की क्या स्थिति है। आप सबको अच्छा लगेगा, हमें भरोसा है। दोस्तों, जैसे कि हमने रिकॉर्डिंग शुरू किया, हमारे टोनी देखिए आ गए खेत में और ये मस्ती करने लगे। ये देखिए इनको कितना मज़ा आ रहा है और इसी चक्कर में इन्होंने खेत को भी काफ़ी ख़राब कर दिया। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये देखिए पालक है, ये नई प्रजाति की पालक है, इसको हमने पहली बार देखा है। और ये है नीम का और सहजन का पेड़, इसमें पत्तियां लगभग बसंत में झड़ चुकी हैं और नई पत्तियां इसमें आ गई हैं। ये देखिए सहजन का पेड़ है, अब इसमें फलियां लगेंगी। और ये देखिए आम का पेड़, इसको लगे करीब एक साल भी नहीं हुआ है, उसमें बौर देखिए आ गया है। और ये है लहसुन, ये देखिए इतना बड़ा हो गया है, करीब एक महीने के बाद इसकी खुदाई होगी और लहसुन तैयार मिलेगा और इसी पत्ती का अचार भी हम लोग बनाएंगे, लहसुन के पत्ते का। और ये देखिए गोभी, गोभी भी काफ़ी लगी थी और अभी इतनी बची हैं। गुलाब का फूल खिलना कम हो गया है ठंडियों के पीछा। ये देखिए गोभियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं, काफ़ी गोभियाँ लगी थी और ख़त्म हो गई, इतनी बची हैं। ये देखिए आम का पेड़ और ये देखिए तीन चार पेड़ में काफ़ी बड़े बड़े फूल गोभी के लगे थे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। दोस्तों, हम आप सबसे यही कहेंगे कि अगर आपके घर के आसपास खाली बची ज़मीन है तो आप वहाँ पर सब्जियाँ उगा सकते हैं, इससे काफ़ी फ़ायदे होते हैं। तो शुद्ध ताज़ी सब्जियाँ मिल जाती हैं और पैसे की भी काफ़ी बचत हो जाती है। ये देखिए बौर कितना बढ़िया लगा है आम के पेड़ में, इतना छोटा पेड़ है फिर भी जो आम की फलियाँ लगेगी तो हम आप सबको दिखाएंगे। और ये देखिए नींबू का पेड़, इसमें भी नए पत्ते आ गए हैं। Thank you.
तो दोस्तों आप सबको हमारा वीडियो हमारे घर की बगिया कैसी लगी कमेंट की जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।